पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जहां पूरा देश शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहा है। सैनिकों पर हमला कर पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद पूरे भारतवर्ष में उबाल है, जिसमें देश का युवा, बच्चा, बूढ़ा, महिलाएं सभी अपना विरोध जता रहे हैं। सभी में जो आतंकवादियों के खिलाफ उबाल है वो साफ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में मुरादाबाद में भारत बंद का आह्वान करते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंचल गुट, विश्व हिंदू महासंघ, शिवसेना, लघु उद्योग व्यापार मंडल, एकता सेवा समिति, कपड़ा समिति, सर्राफा कमेटी, बाजारगंज के साथ विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर बाजार बंद कराते हुए अपना विरोध दर्ज कराया और पाकिस्तान तथा आतंकवाद का पुतला दहन किया। सभी ने मांग करते हुए प्रधानमंत्री से कहा है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये विरोध प्रदर्शन पुलवामा में मारे हुए 44 शहीदों को जो कायराना अंदाज पर पीठ पीछे वार किया है, इसकी निंदा करते हुए किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक कोई अटैक आगे से नहीं किया, हमेशा पीछे से किए हैं। और ये विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, विश्व हिंदू महासंघ, शिवसेना, लघु उद्योग व्यापार मंडल, अन्य सब हिंदू संगठनों की तरफ से मिलाकर है। और हमारे कहना यह है कि हमारी गवर्नमेंट को इस तरह चुप नहीं रहना चाहिए और उन्हें तुरंत पाकिस्तान से सेल परचेज बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। आज भी पाकिस्तान 14,000 करोड़ रुपए का हमसे सामान सस्ते रेटों पर खरीद रहा है, जो कि भारत पाकिस्तान को भिखारी समझ के बहुत कम रेट पर दे रहा है। अगर भारत ने वो डील बंद कर दी और इसका पानी बंद कर दिया सिंधु नदी का, और अंतर्राष्ट्रीय जो है बयान ने इससे लेन देन बंद कर दिया, तो ये ऑलरेडी इसकी आर्थिक व्यवस्था इतनी ख़राब है, ये टूट जाएगा और भिखारी बन जाएगा। और जो 40 इसने हमारे 44 सैनिकों को शहीद किया है, हम सब व्यापारी, हम सब हिंदू, हिंदुस्तानी और भारतीय, हम इसका बदला खून का बदला खून से लेंगे। और 44 की जगह हम 4,444 मार के दम लेंगे। क्या लगता है आपको, आप व्यापारी हो, आपने आज बाजार बंद करवाया है, क्या लगता है आपको कि मतलब कितना असर इस व्यापार बंद का होगा और बाजार बंद तो इससे कोई असर पड़ेगा? आज हमारा बाजार बंद पूर्ण रूप से बहुत सफल है, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज हमें बंद बाजार बंद भी निकालना पड़ा। आज लोगों की आंखें नम हो रही थी, लोग भावुक हो रहे थे, उन लोगों ने अपने आप नमी आंखों से इस बाजार को बंद किया है और हमें इस बंद बाजार को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी।